जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच बाई आसवा में। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमजान का चांद मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रमजान हैरो आफियत से गुजरे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस कोरोना जैसी वबा को हमारे ऊपर से जल्द अज जल्द खत्म कर दे। आज मैं अपनी नमासी अनमोल के लिए कुछ और नए फ्रॉक नए डिजाइन के स्टिच करके लाई हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अनमोल की पहली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी उससे भी ज़्यादा प्यार देंगे। ये देखिए दो फ्रॉक मैंने इसके पार्टी वेयर सी हैं और एक फ्रॉक मैंने इसका कैजुअल सिया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसकी डिटेलिंग के बारे में बताती हूँ। ये देखिए ये अम्ब्रेला फ्रॉक है और ये इसके ऊपर मैंने शनील की पेटी लगाई है, इसके नीचे इसको इनर दी लगाई है और ये शनील की पेटी है और स्वीलेस फ्रॉक है ये, और इसके ऊपर मैंने स्टोन और ये बीड्स का काम किया। इसकी खूबसूरती के लिए स्टोन और बीड्स इसकी पेटी के ऊपर लगाए हैं, ये देखिए। और ये इसकी बेल्ट है और बेल्ट के आगे भी ये बहुत प्यारा मैंने ये इसका ये मोटिव भी मैंने इसके देखे, इसको मैंने मोटिव लगाया, इसके अंदर छोटे छोटे ना स्टोन लगे हुए हैं। और ये बेल्ट इसकी देखे इसके ऊपर है, ओपन है इसकी बेल्ट जो के आगे से जाके इसकी बैक पे जा रही है इसकी बेल्ट, ये देखे ऐसे जाके ये इसकी बैक पे आ रही है, आगे से पीछे बैक पे आ रही है इसकी बेल्ट। और ये इसकी मैंने इसको बो की शेप दे दी है इसको मैंने इसकी बेल्ट को, और ये पीछे जिप लगाई है ताकि आसानी से अनमोल इसे पहन सके, क्योंकि छोटी बच्चों का गला छोटा होता है ना, राउंड में गला और छोटा सा गला, और जिप लगाई है ताकि आसानी से ये बच्ची पहन सके। और ये देखें ये नेट का इसका ये इसके ऊपर सारा एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है और उसके ऊपर मैंने स्टोन लगा दी है। ये इसकी लाइनिंग है, ये देखिए ये इसकी लाइनिंग है और ये इसको मैंने ये किन लगाई है इसके नीचे ये मैंने किन लगाई है ताकि इसका फ्रॉक को थोड़ा सा ना फैलाओ आने के लिए ना, बच्चों को ये फूले फूले हुए फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये किन लगाई है और इसके नीचे भी मैंने इनर लगाई है और इसको अम्ब्रेला का शेप दे दिया। सिर्फ फ्रंट पे मैंने इसको वो बीड्स लगाए हैं, बैक पे नहीं लगाए, बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ फ्रंट पे लगाए हैं मैंने, स्टोन और बीड्स लगाई हुई हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा फ्रॉक दिखाती हूँ। अब ये फ्रॉक देखें, ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है, इसकी मैंने पूरे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग अपनी वीडियो पे डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं इसे कि मैंने इसको कैसे कटिंग किया इसका और कैसे मैंने इसको स्टिच किया। ये वेलवेट का फैब्रिक्स है, ये देखिए, और इसके नीचे भी सारी मैंने इनर लगाई हुई है और इसके ऊपर ये देखिए सारी लैस लगाई है मैंने, बारीक लैस है, फीता लैस है, ये लगाई हुई है मैंने बाजुओं पर भी और ये इधर भी, ये भी स्वीलेस ही बनाया है मैंने क्योंकि बच्चों को स्वीलेस फ्रॉक बहुत प्यारे लगते हैं। और ये फ्लावर मोटिव लगाया और ये सारे मैंने बीड्स लगाए और इसके अंदर ये देखिए मैंने इलास्टिक डाला हुआ है, ये देखिए इलास्टिक, ताकि बच्ची आसानी से पहन सके। इसके पीछे मैंने जिप वगैरह कुछ नहीं लगाया। और ये देखिएगा इसके दामन पे सारे मैंने कटाउन डाले, ये देखिए मैंने कटाउन किस तरह से बनाए हैं, ये देखिए इसके अंदर मैंने कपड़ा लगाया हुआ,
ये रॉ सिल्क का मैंने ये कटोंग के नीचे कपड़ा लगाया, क्योंकि ये कपड़ा ज़रा थोड़ा ना अकड़ा हुआ होता है, ये मुलायम नहीं है, थोड़ा अकड़ा हुआ ये कपड़ा, इसलिए इस वजह से ना इसके कटाऊँ जो है ना खड़े खड़े से आ गए हैं। ये देखिए डॉन नहीं है, बिल्कुल एक जैसे इक्वल हैं इसके ये कटाऊँ जो हैं। और इसके नीचे ये देखिए इनर लगाई है मैंने, इनर को मैंने कम अज़ कम इससे आगे वाले हिस्से से 5 इंच ऊँचा रखा था इसकी इनर को, क्योंकि मैंने इसके नीचे ये नेट लगानी थी, चुनट वाली नेट लगानी थी मैंने सारी इसके नीचे। और ये देखिएगा मैंने ये सारी नेट लगाई है इसके नीचे, सारी चुनट डाल के इसके नीचे नेट लगाई है। आप इसकी कटिंग मेरे उस पर वीडियो में देख लीजिएगा कि मैंने ये कटोंग की कैसे कटिंग की हुई है। और ये देखिए इसके नीचे मैंने ये इलास्टिक भी डाला हुआ है, इसके अंदर ये इलास्टिक डाला हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है, और ये सबको ये बहुत प्यारा पसंद आया था और बहुत प्यारा लग रहा था। आपको पता नानियाँ जो होती हैं अपनी नवासियों के लिए, उनकी दिली मोहब्बत होती है, प्यार होता है उनके उनके लिए नानियों को, तो मुझे अपनी नवासी बहुत प्यारी है, और मैं हर नए डिज़ाइन नए से नए डिज़ाइन करके तो उसके उसे फ्रॉक बना के देती हूँ। तो चलिए ये मेरा फ्रॉक कंप्लीट हो गया, और अब मैं आपको अपना तीसरा फ्रॉक दिखाती हूँ। और ये देखिए इसका तीसरा फ्रॉक, ये कैजुअल है, ये डबल ब्रेस्टेड फ्रॉक है, इसके ऊपर मैंने कोट कॉलर बना दिया, और ये देखिए टिच बटन भी लगाया ताकि ये आसानी से पहन सके। ये इसके बाजू पे देखें शटर लैस लगाई है मैंने ऑरेंज कलर में, और जो नीचे वाली इसकी पेटी थी इसके मैंने बटन बनवा के और ये इधर लगा दिए, प्रिंटेड बटन इधर लगा दिए मैंने। ये देखिए इसकी छोटी छोटी दो पॉकेटें लगाई हैं, ये दो छोटी छोटी पॉकेटें हैं इसकी, ये देखिए फ्रॉक की। और इसके ऊपर बो टाइयाँ बना दी हैं मैंने, बो टाई बना के इसके ऊपर एक एक बीड्स लगा दिया। ये इसके नीचे इसकी लैस लगी हुई है फ्रॉक के घेरे पे, सारी लैस है। और इसकी बैग देखिएगा, इसकी बैग भी बहुत खूबसूरत बनाई है मैंने, और ये देखिएगा इसकी बैग पे मैंने पेटी की प्लेट डाले हैं दो प्लेट्स डाल के, इसके सेंटर में मैंने पट्टी लगाई है, प्लेट्स के सेंटर में पट्टी लगा के इसके अंदर मैंने वुडन बटन लगा दी है। ये देखिए इसकी खूबसूरती के लिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये इसकी बेल्ट है, टिशू की बेल्ट है, ये इसकी मैंने वो बना दी, ये टिशू बेल्ट है। और ये देखिए अब आप ये सारे कपड़े अनमोल के इंस्टाग्राम पे उसे पहने हुए देखेंगे। वैसे मैं उसे प्यार से पड़ी कहती हूँ, क्योंकि वो है ही बहुत प्यारी और वो मेरी पड़ी है। तो ये थी अनमोल के कपड़ों की कलेक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।